You're starting or? Mike. Started. Achha, theek hai, sahi. अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? पिक्चर के बारे में पढ़ा था. किसके बारे में पढ़ा था? पिक्चर के बारे में. पिक्चर के बारे में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? पिक्चर के बारे में. आज हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में. किसके बारे में? शेप्स के बारे में. तो शेप्स हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, किसके अंदर? डॉक्यूमेंट के अंदर, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई भी स्कूल का या कॉलेज का काम कर रहे हैं, आपको अगर शेप्स की ज़रूरत पड़ गई तो आप शेप्स का क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो शेप को लाने के लिए सबसे पहले, जैसे हम टेबल ला रहे थे, पिक्चर का यूज़ कर रहे थे, इसी तरह आप यहाँ पर जाओगे, आपको एक कर्सर नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी, आप देख सकते हैं, बहुत सारी आपके पास क्या ओपन होगी? शेप्स ओपन होगी. अब जो भी शेप आपको अपने डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरी है, जो भी शेप आपको अपने डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए, आप सिंपली उसको यहाँ से क्या कर लोगे? क्लिक कर लोगे. मिसाल के तौर पर मेरे को यहाँ से रेक्टेंगल चाहिए. हर शेप का आप यहाँ पे लेके जाएंगे, जैसे माउस ओवर करें, हर शेप का क्या आ रहा है? नाम आ रहा है अपना. हर शेप का क्या आ रहा है? नाम आ रहा है. जैसे इसकी मैं बात करूँ, रेक्टेंगुलर, ये आ रहा है सर्कल आ रहा है, ये आ रहा है राउंड, ये राउंड कॉर्नर्स आ रहे हैं. हर शेप का अपना नाम है. यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे रेक्टेंगल पर, रेक्टेंगल पर आ गया. जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक प्लस का साइन बना हुआ नज़र आएगा. किसका साइन? प्लस का साइन बना हुआ आएगा. अब यहाँ से आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? आप सिंपली अपने माउस से राइट क्लिक करके ऐसे इसको आप ड्रॉ कर लेंगे. ड्रॉ होगी. जैसे ही पिक्चर आपके पास शेप ड्रॉ हुई तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास एक शेप फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो गया. क्या हो गया? जिस तरह हमारे पास टेबल के अंदर ओपन हो रहे थे और पिक्चर के अंदर भी ओपन हो रहे थे ऑप्शन, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? किसके नाम से आ गए? शेप फॉर्मेट के नाम से हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो गया. अब हमें इसके क्या करना है? अगर आप अपनी शेप को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से अपनी शेप को क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आते हैं शेप. अगर आपको अपनी शेप को चेंज करना है तो आप यहाँ से शेप को दूसरी शेप बना सकते हैं. चेंज करना चाहते हैं शेप को, दूसरी शेप बनाना चाहते हो, आप यहाँ से अपनी शेप बना सकते हैं. आपने एक शेप बना ली तो आपको एक और शेप चाहिए तो आप यहां से आसानी से बना सकते हैं. अगर आप यहां शेप पे मैंने बाहर क्लिक किया, अब मेरे वो ऑप्शन चले गए, ऑप्शन क्या हो गए? वो गायब हो गए. अब मुझे वो ऑप्शन लाना है या वो सेटिंग लानी है तो यहां से मैं क्या करूंगा? इस पर क्लिक कर दूंगा. क्लिक कर लिया. क्लिक करने के बाद यहां पे आपके पास वो ऑप्शन वापस से आ गए. अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ शेप. अगर आपको कोई और शेप लानी है, दूसरी शेप या तीसरी शेप, आप यहाँ से जितनी शेप चाहें वो आप ला सकते हैं. क्लियर हुआ का? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं एडिट पॉइंट. अगर आपको यहाँ से शेप को चेंज करना है, आप यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं. ये देखें, ये आपके पास दो ऑप्शन देगा. एक चेगा चेंज शेप. चेंज शेप का मतलब कि आपके पास जो पहले से शेप आई है, अगर आप इस शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप को चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर आप, अब ये जो आपसे ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में नजर आ रहा है शेप का, वो वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये आपकी शेप चेंज नहीं करेगा, ये आपको दूसरी शेप लाने में हेल्प करेगा. अगर आपको दूसरी या तीसरी शेप लानी वो आप ला सकते हो. लेकिन जब आप यहाँ पे एडिट वाले पॉइंट में जाओगे तो आपको दो ऑप्शन देगा. एक चेंज शेप का, ये शेप को चेंज करेगा. जो शेप आपके पहले वाली आपने ली होगी, बनाई होगी, उसको आप क्या कर सकते हो? यहाँ से चेंज कर सकते हो. ये जैसे मैंने चेंज कर दी, जो शेप आप यहाँ से लाना चाहते हो आप यहाँ से आसानी से ला सकते हो. उसके बाद हमारे पास यहाँ से आते हैं एडिट पॉइंट. अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपने काम के हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो. जैसे आपको एडिट करनी है, ये देख, जैसे भी आपको एडिट करनी है, ये आपके पास पॉइंट आ जाएंगे. यहाँ से आप क्या कर सकते हो? इसको एडिट कर सकते हो. जैसे आप चाहो यहाँ से इसको आप एडिट कर सकते हो. कंट्रोल जेड करोगे तो कोई मिस्टेक होगी, कंट्रोल जेड करोगे तो वापस बैक पे चले जाओगे. अब हमारे पास आता है यहाँ पे शेप स्टाइल. क्या आता है? शेप स्टाइल. अगर आप अपनी शेप को स्टाइल देना चाहते हो, मिसाल के तौर पर इस पर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, आप यहाँ से इस पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो. कोई भी स्टाइल आप इसके ऊपर अप्लाई करना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? स्टाइल आसानी से अप्लाई कर सकते हो. यह आता है जो भी स्टाइल आपको यहाँ से चाहिए. अगर आपको मज़ीद स्टाइल चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे, आपके पास बहुत सारे स्टाइल आ गए. जो भी स्टाइल आपको यहाँ से चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, शेप के अंदर, जो भी आपको शेप के साथ करना है, एडिट करना चाहते हो, जो भी आपको यहाँ से स्टाइल देना आप यहाँ से दे सकते हो. उसके बाद आपके पास यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा शेप फिल. कि कौन सा ऑप्शन आएगा? शेप फिल. यहाँ पे लिखा हुआ है फिल द सेलेक्टेड शेप विद अ सॉलिड कलर.
ग्रेडियंट, पिक्चर और टेक्सचर, ये कह रहे हैं जो आपने शेप जो ली हुई है, जो आपने इसको सिलेक्ट करो, सबसे पहले हमने क्या करना है, शेप को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर कलर ला सकते हो, सॉलिड कलर अप्लाई कर सकते हो, ग्रेडियंट भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, उसका अगर आप पिक्चर अप्लाई करना चाहते हो इसके अंदर, और टेक्स्चर अप्लाई करना चाहते हो। ये मैंने आपको सब पढ़ा लिया, टेक्स्चर कैसे होता है, क्या होता है, शेप, ग्रेडियंट। अगर आप अपने काम का शेप के अंदर क्या लाना चाहते हो, कोई तस्वीर लाना चाहते हो, कोई पिक्चर लाना चाहते हो, आप यहाँ से ला सकते हो। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना एरो जो मन आ रहा है, अब जो भी कलर आपको यहाँ से पसंद आ रहा है वो आप यहाँ से क्या कर लोगे, अप्लाई कर लोगे। जैसे ये मुझे, मैं ये कलर ले लेता हूँ, रेड ले लिया, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको यहाँ से कलर पसंद आ जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं नीचे नो फिल, नो फिल पे जाओगे तो कलर नहीं होगा, खाली वाइट आ जाएगा। यहाँ पे लिखो मोर फिल कलर, यहाँ पे मोर फिल कलर पे चले जाओगे, ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ाया था डिटेल में। यहाँ से आपको जो कलर पसंद आता है, यहाँ पे कस्टम पे जाके आप अपनी मर्जी से कलर बना सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड भी आपको बने बनाए कलर मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आ रहा है आप यहाँ से क्या करोगे, सिंपली उसको क्लिक कर दोगे, सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ से ओके कर लोगे, वो कलर आपके शेप में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नीचे पिक्चर, अगर आपको पिक्चर यहाँ पे लानी है, ग्रेडियंट लाना है, यहाँ से आप ग्रेडियंट दे सकते हो, ये भी मैंने आपको पहले डिटेल में पढ़ाया है। उसके यहाँ पे आता है टेक्स्चर, अगर आपको देना है यहाँ पे शेप के अंदर, क्लियर हुआ। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आते हैं भाई फिल आउटलाइन, क्या आता है फिल आउटलाइन, मतलब कि अगर आप इस शेप की आउटलाइन जो बाउंड्री होती है, क्या होती है, बाउंड्री जिसको हम कहते हैं आउटलाइन, अगर आप इस शेप की क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हो। ये जो भी कलर आपको यहाँ से पसंद आ रहा है, सिंपली आप उस पर क्लिक कर दोगे, वो कलर आपकी शेप के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा बाउंड्री पे, आउटलाइन पे, जो आउटलाइन है अप्लाई हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे इफेक्ट, यहाँ से आप अपनी शेप के ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको कोई भी इफेक्ट यहाँ से अप्लाई करना, ये प्रीसेट आ जाएंगे, जो भी आपको यहाँ से अपनी शेप के ऊपर अप्लाई करना, ये आपके पास आ जाएंगे। शेडो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ से आप शेडो अप्लाई कर सकते हो, जो भी अगर आपको शेडो कहते हैं साया, अगर आप शेडो लगाना चाहते हो, ये देखो आपकी शेप के पीछे क्या आ गया, एक हल्का सा शेडो आ गया, सबको नज़र आ रहा है भाई, हल्का सा आपकी शेप के ऊपर क्या आ गया, शेडो आ गया। ये नीचे बहुत सारे रिफ्लेक्शन आ जाएगा, जो सारे बहुत सारे ट्राई कर लेना, ये ग्लो, अगर आप ग्लो करना चाहते हो, उभारना चाहते हो, ग्लो कहते हैं। सॉफ्ट एजेस, अगर आप सॉफ्ट रखना चाहते हो इसको, इनका इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं है। 3D, अगर आप इसको 3D बनाना चाहते हो, ये लोग 3D आप बना के, अगर आप इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। वापस हटाने के लिए आप जहाँ से आपने अप्लाई किया था वहाँ पे चले जाओगे, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्शन अप्लाई किया था, ये नॉर्मल कर दोगे, नॉर्मल आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड आर्ट स्टाइल, क्या आता है वर्ड आर्ट स्टाइल, क्या आता है वर्ड आर्ट स्टाइल, इसकी बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट, क्या आता है अलाइन टेक्स्ट, यहाँ पे हमने टेक्स्ट नहीं लिखा हो तो इस वजह बाद में बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखो हमारे पास आती है पोजिशन, क्या आता है पोजिशन, यहाँ से आप अपनी पोजिशन अप्लाई कर सकते हो कि आप अपनी शेप को कहाँ पे रखना चाहते हो। जो भी आप यहाँ से पोजीशन दोगे, आपकी शेप कहाँ पे चली जाएगी, उस पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। मिसाल ये मैंने आपको कल भी बताया था, शेप पिक्चर के अंदर, सॉरी पिक्चर के अंदर शेप पोजीशन आप यहाँ से अप्लाई कर लोगे, जो भी आपको पोजीशन रखनी है यहाँ पे, ये पोजीशन के भी नाम भी आ जाएंगे, आप यहाँ पे रख के जाओगे ना, टॉप इन पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, हर एक का अपना नाम आ जाएगा। यहाँ से आप मिडल कर सकते हो, ये पेज के मिडल में चली गई, पेज के साइज में थोड़ा छोटा कर लिया। यहाँ से जहाँ पे भी आप अपने काम के हिसाब से इसको रखना चाहते हो आप रख सकते हो, अगर आप इसको यहाँ से मूव करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से मूव कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत है शेप की, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस शेप को रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है रैप टेक्स्ट, ये बताता हूँ भाई। उसके हमारे पास आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और आगे आते हैं सेंड फॉरवर्ड, यहाँ पे सेंड फॉरवर्ड आता है, यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड आता है, ये क्या चीज़ होती है। सेंड फॉरवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड अप्लाई करने के लिए हमने दो शेप लेनी पड़ेंगे, कितनी शेप लेनी पड़ेंगी, दो शेप। ये क्या करेगा, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास दो शेप हैं, अगर मैं एक शेप को ऊपर लाना चाहता हूँ, एक शेप को पीछे भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से आसानी से भेज सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हो ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है लाना,
यहाँ पे लिखा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब सामने या आगे, फॉरवर्ड क्या सामने या आगे लाने के लिए। यहाँ पे लिखा ब्रिंग द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आपने उस शेप को सिलेक्ट कर लेना है जिस शेप को आप आगे भेजना चाहते हैं या पीछे सामने लाना चाहते हैं। ये कह रहा है ब्रिंग द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड वन लेवल सो दैट इट्स हिडन बिहाइंड फेवर ऑब्जेक्ट्स। ये कह रहा है कि अगर आप सब अगर आप उस शेप को बैकवर्ड भेजना चाहते हो या सामने लाना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ से आप ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और शेप ले लेता हूँ, दो शेप मुझे लेनी है, यहाँ पे एक और शेप ले ली, इसका कलर मैंने ये दे दिया। अब ये शेप मेरी इस शेप के ऊपर है, किसके ऊपर है, इस शेप पर्पल वाली शेप के ऊपर है मेरी जो ब्लू वाली शेप है। अब मैं चाहता हूँ ये जो ब्लू वाली शेप है, ये वाली शेप, ये इस शेप के बिहाइंड चली जाए, किसके ऊपर चली जाए, बिहाइंड उसके पीछे चली जाए। तो आप सबसे पहले इस शेप को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड, यहाँ तो ब्रिंग फॉरवर्ड होते हैं यहाँ मतलब कि लाने के लिए। अब मुझे इसको क्या करना है, पीछे भेजना है, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा भाई सेंड बैकवर्ड, क्या आ जाएगा सेंड बैकवर्ड, मतलब कि वो शेप कहाँ चलेगी, वो शेप इसके पीछे चलेगी और ये शेप वाली कहाँ पे आ गई, फ्रंट पे आ गई। अगर आप इस शेप को, ये वाली जो शेप है पर्पल वाली, इसको बैग में भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या करोगे, सिंपली आप सेंड बैकवर्ड करोगे तो वो शेप कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। और यहाँ पे आपको साथ है ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर आप उसी शेप को जो आपने शेप यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड की थी मतलब कि पीछे आपने भेजी थी, अगर आप उसको फॉरवर्ड करना चाहते हो, लाना चाहते हो सामने, तो आप यहाँ से ला सकते हो। क्लियर हुआ? ये अक्सर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा शेप्स होती है तो हम उसको आगे पीछे काम के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है सिलेक्शन पेन, क्या आता है सिलेक्शन पेन, यहाँ से आप सिलेक्शन पेन भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्शन पेन आ गया, ये कल भी मैंने आपको अप्लाई किया था, कल भी मैंने आपको यहाँ पे इसके अंदर पिक्चर के अंदर पढ़ाया था। अगर आपके पास दो पिक्चर है या दो शेप है, अगर आप उनको हाइड करना चाहते हो, काम आपके पास ज़्यादा है, आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो या कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, काम कर रहे हो आप ऑफिस का, आपको पिक्चर की ज़रूरत होगी या कोई शेप लेनी पड़ेगी, आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर है, एक से ज़्यादा क्या है शेप्स हैं, तो आप अपने आप उसको आर्जी तौर पर क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर ये पर्पल वाली शेप है, अब मैं चाहता हूँ कि यार अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या है अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से आके इसको सिंपली क्या कर लूँगा, हाइड कर लूँगा। ये शेप क्या होगी भाई, ये डिलीट नहीं हुई, ये रिमूव नहीं हुई, ये हाइड होगी। अब यहाँ पे इस जो आइस आपको एक आंख बनी हुई यार, आइस बनी हुई आ रही है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये शेप क्या होगी, वापस से आ गई आपके काम के अंदर। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा शेप होती है, हम अपने अक्सर जब हम काम करें तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इस वजह से हम उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से हाइड कर लेते हैं, हाइड कर लेते छुपा देना। यहाँ से आप क्लिक कर दोगे इसके ऊपर, वो क्या हो जाएगी भाई, हाइड हो जाएगी। अब इसके ऊपर वापस क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगी, आ जाएगी वापस। अब यहाँ पे दूसरी शेप है, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो आप यहाँ से हाइड कर ले कर सकते हो, ये मैंने आपको कल भी बताया था डिटेल के अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं आगे रोटेट, क्या आता है रोटेट, अगर आप अपनी शेप को रोटेट करना चाहते हो, रोटेट 90 एंगल, यहाँ पे आता है 90, यहाँ पे फ्लिप आता है, यहाँ पे ओरिजेंटल आता है, यहाँ पे नीचे मोर आ जाता है, यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो ओपन आ जाएगी, यहाँ से पोजिशन रैपिंग साइज जो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये वही ऑप्शन आ रहे हैं जो यहाँ पे आपको यहाँ पे रिबन बार के अंदर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वही ऑप्शन है साइज टैक्स रैपिंग पोजीशन। यहाँ पे आप चले जाओगे पोजीशन में, जो भी आपको यहाँ से एंगल देना, आप यहाँ से एंगल दे सकते हो, जो भी आपको एंगल देना है यहाँ से आप यहाँ से एंगल दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है साइज, ये देखो यहाँ पे जो आ रहा था विंडो के अंदर साइज, यहाँ पे आपके पास आता है साइज, यहाँ से ये आप इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो, आप यहाँ से भी इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो, ये हाइट ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ से आप इसकी वेट ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन आपको मैंने ये आपको कल बताया भी था, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आप बनने वाला जगह, इस पर क्लिक कर दोगे यहाँ से भी आप साइज को रिसाइज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो रिसाइज मतलब छोटा बड़ा आप कर सकते हो काम के हिसाब से। और यहाँ पे भी आपके पास यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो, अगर आपको रोटेट करना है, जैसा भी आपको रोटेट करना है, शिफ्ट दबा के आप रोटेट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, शेप एंगल वाइज रोटेट होगी, क्या होगी एंगल वाइज, एंगल वाइज पता है क्या होता है,
बल्कि अगर 90 की 90 सबसे पहले 90 आ जाएगा, फिर एंगल वाइज चलता जाएगा 60 30 इस तरह आपको वो बता देगा एंगल वाइज, यहाँ से आप कर सकते हो शिफ्ट दबा के कर लेना ताकि बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। क्लियर हुआ भाई, समझ में आ गया? अगर आप इस शेप के अंदर कोई ऐड टेक्स्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से ऐड टेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ ना ऑप्शन ऐड टेक्स्ट का, एक टेक्स्ट आ गया, ये देखो आपका कर्सर चला गया शेप के अंदर, यहाँ से आपको जो भी लिखना है यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप वही बाकी वही ऑप्शन है यहाँ से क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ से साइज बड़ा करना चाहते हो यहाँ से इसका साइज बड़ा कर सकते हो, यहाँ से इसको अगर कलर देना चाहते हो आप यहाँ से कलर दे सकते हो, बोल्ड करना चाहते हो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। मतलब कि क्या हो गया, शेप के अंदर आ गया आपका काम। क्लियर हुआ भाई, ये क्लियर हो गया? कोई सवाल है तो पूछ लो, सवाल नहीं है, सवाल है तो पूछ लो भाई।